वेलकम बैक गाइस तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक सिंपल प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे हम देखेंगे कि हम उसको किस तरह क्रिएट करेंगे तो हम अपने डैशबोर्ड में जाते हैं और यहाँ पर हम जाएंगे प्रोडक्ट के ऑप्शन में ये देखें इधर मैं जाऊँगा ऐड न्यू में और यहाँ से मैं एक न्यू प्रोडक्ट क्रिएट कर लूँगा अब मान लो कि मैं जो प्रोडक्ट क्रिएट करने वाला हूँ जो प्रोडक्ट मैंने क्रिएट करनी है वो एक टी शर्ट है तो उसका टाइटल मैं यहाँ पर लिखता हूँ ब्लैक टी शर्ट है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्लैक शॉर्ट शॉर्ट स्लीव ओके उसके बाद हम नीचे आते हैं अब यहाँ पर ये आपसे डिस्क्रिप्शन मांग रहा है तो डिस्क्रिप्शन आप एंटर कर सकते हैं मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ अब डिस्क्रिप्शन आपने अपनी मर्जी के एंटर करना जो आप एंटर करना चाहते हैं तो यहाँ से मैं इसको यही रहने देता हूँ अब यहाँ पर मैं अगर इस डिस्क्रिप्शन में कोई इमेज वगैरह ऐड करना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ से सिंपल ऐड मीडिया पे जाऊँगा अपलोड फाइल्स सेलेक्ट फाइल्स ओके अगर हम यहाँ से नीचे आएँ ओके मीडिया ओके अब यहाँ से मैं uh, कुछ भी कर लेता हूँ मैं ये ज़ारा कर लेता हूँ uh, या फिर पुल एंड बियर कर लेता हूँ मैं यहाँ से uh, इसको कर लेता हूँ ओपन ओके इंसर्ट टू प्रोडक्ट ओके अब ये यह यहाँ पर आ गया इस टाइम तो इसको यहाँ से मैं को ले आता हूँ इधर ओके हम एक और काम करते हैं ओके तो इसको यहाँ से मैं करता हूँ पहले कट फिर मैं इमेज एड कर लेता हूँ ओके इसके आगे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ अलाइन लेफ्ट ओके अब यहाँ से एक बार मैं इसको पब्लिश कर लेता हूँ पब्लिश करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह का शो होगा पब्लिश हो चुके अब हम यहाँ से जाते हैं इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर ये देखें ये कुछ इस तरह का शो हो रहा है ठीक है तो अब हम यहाँ पर वापस जाते हैं नीचे मैं जाता हूँ ओशन डब्ल्यू पी सेटिंग इसको हम एज इट इज़ छोड़ देंगे प्रोडक्ट डेटा अब सिंपल प्रोडक्ट इसकी जनरल सेटिंग हम करेंगे रेगुलर प्राइस इसकी क्या है रेगुलर प्राइस मैं कहता हूँ कि एवन फिफ्टी है फिर सेल प्राइस अगर आप इस पर कोई सेल वग़ैरह लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं मैं इधर वन थाउजेंड कर देता हूँ और फिर आप इसको शेड्यूल भी लगा सकते हैं कि कब से कब तक हो तो ये मैं कह देता हूँ कि इस इधर से लेके मंथ के एंड तक हो ठीक है फिर टैक्स स्टेटस टैक्सेबल और इसको मैं कर देता हूँ अब जो मैंने दो क्लासेस क्रिएट की थी टैक्स की एक टेन और एक ट्वेल्व तो इस पर अगर मेरा टेन परसेंट टैक्स है तो यहाँ से मैं जी एस टी टेन चूज़ करूँगा फिर हम जाते हैं यहाँ से इन्वेंट्री में अब ये एस के यू क्या होता है ये एस के यू एक कोड होता है जो कि आप अपने हर प्रोडक्ट को देते हैं ताकि आपको अब आप सारी चीज़ें आपको नेम बाय नेम थोड़ी ना याद रहेंगी आप अपने जो आपने डेटा रखा है उसका सारा उसमें आप उसको एक कोड दे देते हैं आपने अक्सर देखा होगा जब भी आप कोई चीज़ बाय करने जाते हैं तो जब आप उसकी जो रसीद होती है जब आप वो देखते हैं तो उसके ऊपर उस प्रोडक्ट के नाम की बजाय एक कोड लिखा होता है तो यहाँ पर ये यह वो कोड है तो मान लो इसका कोड जो जो भी है हम यहाँ पर उसको कह देते हैं टी शर्ट जीरो ओके अब मैनेज स्टॉक इसको मैं चेक कर दूंगा अब इसका मतलब है कि जैसे ही आपका जो स्टॉक है वो कम होने लगेगा तो आपको पता चल जाएगा अब स्टॉक क्वांटिटी इसको यहाँ से मैं 100 कर देता हूँ कि इस टाइम मेरे पास 100 ये वाली शर्ट्स पड़ी हुई हैं ठीक है और उसके बाद इसको मैं कर देता हूँ टू पे फिर उसके बाद हम जाते हैं शिपिंग पे ओके अब शिपिंग पे ये आपसे पूछ रहा है वेट वगैरह वेट में इसका कह देता हूँ ज़ीरो ओके ये हम रेंडम एंटर कर देते हैं अभी फ़िलहाल ठीक है वैसे ये आपने Uh, जो आपका एक्यूरेट वेट है और जो उसकी एक्यूरेट डायमेंशन है वो चीज़ें आपने यहाँ पर एंटर करनी है ओके okay, फिर शिपिंग क्लास अब यहाँ पर हमने दो शिपिंग क्लास चूज़ की थी एक जो हमारा सिंपल प्रोडक्ट था जिसकी डिलीवरी uh, कॉस्ट कम थी और एक जो हमारा बल्कि प्रोडक्ट था उसकी शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा थी तो ये इसको मैं नो शिपिंग क्लास चूज़ करूँगा हम बाद में देखेंगे अभी हम सिंपल प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पर मैं uh, इसका शॉर्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर लेता हूँ वो भी आप अपने हिसाब से ऐड कर लें मैंने सिंपल यही ऐड कर दिया इसको यहाँ से हम थोड़ा शॉर्ट करते हैं कि वाकई ये थोड़ा शॉर्ट लगे आ, अब हम क्या करते हैं हम कैटेगरी ऐड कर लेते हैं यहाँ से मैं कैटेगरी ऐड कर लेता हूँ अब यहाँ पर मान लो जिस तरह आपने वेबसाइट्स में देखा होगा कि वहाँ पर आ, मेंस की लहदा कैटेगरी बनी होती है वुमेन्स की अलग बनी होती है फिर मेन की कैटेगरी के अंदर आपको टी शर्ट अलग मिलेगी सिंपल शर्ट अलग मिलेगी तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मैन की कैटेगरी ऐड करता हूँ ओके okay, तो यहाँ पर हमारी मैन वाली कैटेगरी क्रिएट हो चुकी है अब यहाँ पर मैं एक और कैटेगरी क्रिएट कर लेता हूँ टी शर्ट के नाम से टी शर्ट इसको यहाँ से पेरेंट कैटेगरी इसकी मैं चूज़ कर लेता हूँ मैन और एड न्यू कैटेगरी तो यहाँ पर ये देखें ये कुछ इस तरह की बन गई है इसको यहाँ से मैं करता हूँ ये ओके इसको हम यहाँ से अपडेट कर लेते हैं अब अपडेट करने के बाद हम इसकी फ़ीचर इमेज ऐड कर लेते हैं ओके हम नीचे जाएंगे नीचे यहाँ पर फीचर्ड इमेज के हम यहाँ पर देख लेते हैं फीचर्ड इमेज कहाँ पर आ रहा है हमारे पास ये देखें प्रोडक्ट इमेज तो यहाँ से मैं उसका इमेज ऐड कर लेता हूँ प्रोडक्ट की अब यहाँ पर ये यह देखें हमारे पास मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स हैं तो यहाँ पर फ्रंट पिक्चर मैं इसकी चाहता हूँ कि बल्कि ये चाहता हूँ मैं फ्रंट पिक्चर इन सारों को मैं इंसर्ट कर लेता हूँ ओपन ओके फ्रंट पिक्चर मैं इसकी ये वाली चूज़ कर लेता हूँ और जो उसकी बाकी पिक्चर्स हैं वो हम चूज़ कर लेते हैं ये और ये ऐड टू गैलरीज ओके यहाँ से मैं इसको अपडेट कर देता हूँ अपडेट करने के बाद हम प्रोडक्ट अपना देख लेते हैं किस टाइप का शो होता है तो ये अपडेट हो चुका है, अब हम वापस इधर जाते हैं इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ से तो यहाँ पर ये यह देखें हमारी प्रोडक्ट कुछ इस तरह की शो हो रही है ये देखें Uh, ये हमारी ओरिजिनल प्राइस थी फिर ये जो हमने सेल प्राइस लगाई थी ये आ गई फिर यहाँ पर जो हमने शॉर्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंटर किया था वो यहाँ पर आ गया जो हमने स्टॉक्स में सो so एंटर किया था वो हमें यहाँ पे बता रहे कि इसके हमारे पास इतना पड़ा हुआ है और ये हमारी जो मेन इमेज है ये है अगर मैं ये देखना चाहता हूँ तो मैं ये भी देख सकता हूँ ये देखें फिर उसके बाद यहाँ पर ये देखें डिस्क्रिप्शन जो हमने लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऐड की थी फिर एडिशनल इन्फॉमेशन जो हमने इसका वेट और डायमेंशन ऐड की थी रिव्यूज़ वगैरह अगर कोई रिव्यूज़ एंटर करता है तो वो सब यहाँ पे आ जाएगा फिर यहाँ से आप ऐड टू कार्ड वगैरह कर सकते हैं तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने देखा कि हम एक सिंपल प्रोडक्ट किस तरह क्रिएट करते हैं तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफ